आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 80 है। आज हम देखने वाले हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, बेसिक जुज़े कौन से होते हैं जिनके ज़रिए आपका जो कम्युनिकेशन है, जो यानी कि डेटा ट्रांसफ़र होता है या जो बातचीत होती है या जो भी कम्युनिकेशन को आप कहें वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले देर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो 5 जो हैं बेसिक एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। सबसे पहला है सेंडर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद है मीडियम चैनल। मीडियम चैनल का मतलब होता है इज़ अ सोर्स ऑफ सेंड मैसेज। ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोगों को इसको बिल्कुल समझा के। इन अदर डिवाइस एग्जांपल राउटर वगैरह वगैरह, ये मीडियम चैनल में आ जाता है। प्रोटोकॉल डेटा ट्रेवल बिटवीन टू डिवाइसेस फॉर द रूल एंड रेगुलेशन। आपका जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ट्रांसफ़र होता है, मतलब बिल्कुल सही ट्रांसफ़र होता है। रिसीवर जो होता है वो आपको पता है कि मैसेज जो रिसीव करता है। अब इसमें सबसे पहले हम सेंडर की बात करें तो सेंडर क्या होता है। सेंडर मतलब भेजने वाला। भेजने वाला लाजमी है कोई ना कोई इंसान होगा। एक इंसान ही यानी कि डेटा को भेज सकता है, ऑटोमेटिकली कोई भी डेटा नहीं जाता। मतलब मुझे फ़ोन करनी है तो मैं इंसान हूँ, आपको फ़ोन करूँगा। मतलब सेंडर मीन्स के ह्यूमन, भेजने वाला कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजे। फिर उसके बाद है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बगैर तो आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मैं एक इंसान हूँ और मैं किसी दुकान पर जाता हूँ और दुकान पर जाकर मैंने कहना है कि सर मुझे चाहिए CV या मुझे चाहिए बस मोबाइल का कोई, यानी कि मुझे चाहिए मिसाल के तौर पे मुझे जो है ना बैलेंस करवाना है। तो अगर उसके पास जो हार्डवेयर नहीं होगा यानी कि मोबाइल नहीं होगी, उसके पास अगर मोबाइल है और उस मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कोई काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे उसको CV बनानी है और मैंने कहा कि भाई मुझे CV बनवानी है और उसके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का होना लाजमी होता है, इंसान का होना लाजमी है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है। कम्युनिकेशन के लिए ये एलिमेंट्स लाजमी होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन एलिमेंट्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इन एलिमेंट्स का होना लाजमी होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम मीडियम चैनल। जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था, मीडियम चैनल इज़ सोर्स सेंड मैसेज इन अदर डिवाइस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास ये मीडियम चैनल्स नहीं हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा तो भेजते हैं मगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपका डेटा नहीं जा सकता। मतलब देखें, मुझे करना है यानी कैसे समझो कि पैकेज, आप समझ लें SMS पैकेज करना है। अगर मैं मैसेज पैकेज करता हूँ और जब जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जहाँ पर मेरी रहायश है, वहाँ पर कोई मीडियम चैनल है ही नहीं। मीडियम चैनल का मतलब होता है वो रास्ता, वे। यहाँ पर आपको स्विच हो रहा, स्विच वगैरह राउटर वगैरह नज़र आ रहा, तो इट मीन्स कि मे भी हो सकता है इनके बारे में आपको पता ना हो, इलम ना हो। अगर मेरी आपने पीछे वाली वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं है तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है। मगर अगर आपको ऐसा पता नहीं है तो आप ऐसा समझ लें कि एक टावर अगर नहीं होगा तो आपके पास ना सिग्नल्स आएंगे, यानी कि जैसे जोम का टावर होता है या कोई भी टावर, कंपनी का टावर ही नहीं होगा, आपके पास कोई चैनल ही नहीं होगा, मतलब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा। आपके पास कोई टावर अगर रेंज भी नहीं आता, जैसे आप कोई रेगिस्तान वगैरह ऐसे इलाकों में जाते तो फ़ोन के सिग्नल्स काम करना छोड़ देते, इट मीन्स कि उनके पास मीडियम चैनल नहीं होता। मीडियम चैनल का मतलब ये होता है। सो, मेरे ख्याल में आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको मज़ीद और देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।